बैक, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की सीरीज में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्लांट लोकेशन और प्लांट लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके जितने भी इससे जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, लाइक फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं प्लांट लोकेशन को और प्लांट लेआउट क्या होता है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्लांट लोकेशन की, ठीक है। देखो, इसको हम लोग प्लांट लोकेशन भी बोल सकते हैं और फैसिलिटी लोकेशन भी बोल सकते हैं, बट फर्क कितना है, जब भी कभी गुड्स की बात आती है, जहां पर गुड्स यानी कि कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है, उसको आप प्लांट लोकेशन बोल सकते हो, ठीक है। बट अगर जब भी कभी सर्विसेज की बात आती है, जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, जैसे आपका बैंक हो गया, जहां जैसे आपके हॉस्पिटल्स हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, जहां पर आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, जहां पर प्रोडक्ट तैयार नहीं किया जाता, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, होटल्स हो गया, तो वो उसकी जगह पर आप फैसिलिटी लोकेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो प्लांट लोकेशन क्या होता है, एक तरीके का ऐसा प्लेस होता है जहां पर जो भी कोई फिजिकल चीज एग्जिस्ट करती है, लाइक कि आपके घर का लोकेशन क्या है, आपके दुकान का लोकेशन क्या है, आपकी शॉप का लोकेशन हो गया, ठीक है, आपका जहाँ पर बगल वाली शॉप हो गई, या फिर पिज्ज़ा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं यानी कि एक लोकेशन होता है इनका, ठीक है। तो वहाँ पर जाते हो आप, जाकर के सर्विसेज अवेल करते हो या फिर प्रोडक्ट को अवेल करते हो, ठीक है। तो प्लांट लोकेशन से मतलब क्या है, एक तरीके की ऐसी फिजिकल लोकेशन जहाँ पर वर्कर्स जाते हैं और जाकर के अपना काम करते हैं, ठीक है। लाइक कि हम क्या है कि मेरा कोई अगर प्लांट लोकेशन है, तो वहाँ पर मैं जाऊंगा और जाकर के अपना काम करूंगा, देन अपने घर वापस आऊंगा, तो ये फिजिकल लोकेशन जहां पर से मतलब मुझे जाना पड़ता है, ठीक है। वेयर द प्लांट ऑफ द कंपनी इज लोकेटेड, जहां पर प्लांट जो भी होता है कंपनी का, जो भी कंपनी होती है वहां पर इस्टेब्लिश होती है, ठीक है, उसका लोकेशन होता है, पर्टिकुलर एड्रेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट लोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट लोकेशन किसके लिए हम बोलते हैं, प्लांट जब भी कभी गुड्स की बात करी जाती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, स्टील प्लांट हो गया, सीमेंट राइस मिलिंग प्लांट हो गया, सुगर मिल्स, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, प्लांट लोकेशन के अंदर आती है। बट फैसिलिटी लोकेशन की बात करें, तो फैसिलिटी लोकेशन जहां पर हमको सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, जैसे बैंक्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, पुलिस स्टेशन, सैलून, ब्लड बैंक्स, इन सभी जगहों पर हमको क्या मिलती है, सर्विसेज मिलती है, हमको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो फैसिलिटी से रिलेटेड लोकेशन हो गया, ठीक है, होटल्स हो गया, तो ये सारी जगहों पर हमको क्या मिलता है, फैसिलिटी लोकेशन हो गया। तो टू बी वेरी शॉर्ट, जो भी प्लांट लोकेशन होता है, प्लांट लोकेशन क्या होता है, प्लांट लोकेशन या फिर फैसिलिटी लोकेशन क्या होता है, इट रिफर्स एन आइडियल लोकेशन, यानी कि एक आपकी लोकेशन होती है, पर्टिकुलर एक लोकेशन होती है जहां पर आप जाते हो काम करने के लिए, और जहां पर आपका प्लांट या फिर फैसिलिटी जो भी होती है वो इस्टेब्लिश होती है, दैट इट कुड ब्रिंग मैक्सिमम इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द ऑपरेशन, जहां पर से आप अपने काम में 100% आउटपुट देते हो, आप का जो भी काम होता है उसके ऊपर आप अच्छे से वर्क करते हो, अपनी इफिशियंसी को बढ़ाते हो एंड अपनी इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हो, ठीक है। तो दैट इज योर प्लांट लोकेशन। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्लांट लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फैसिलिटी लोकेशन या फिर प्लांट लोकेशन, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्लांट लोकेशन में क्या होगा, आपके रॉ मटेरियल्स होंगे, जैसे कि मान लो अगर कहीं पर हम बर्गर खाने गए, तो वहाँ पर क्या है, रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल वहाँ पर इकट्ठा होता है, जैसे कि नॉर्मल बर्गर होते हैं उसको क्या किया जाता है, अच्छे से बना करके देन फिनिश्ड बर्गर में चेंज किया जाता है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। देन आप उसको कौन सा दूसरी चीज़ अफेक्ट करती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए जिससे कि मशीन्स चले, वाटर भी होना चाहिए जिससे कि एक तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज भी होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि आप आसानी से आ जा सको, इस जगह पर आपका प्लांट इस्टेब्लिश होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आपने कहीं पर भी अपना प्लांट को इस्टेब्लिश कर लिया जहाँ पर जंगल पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने कभी सुना है कि रेगिस्तान में कोई प्लांट इस्टेब्लिश है, क्योंकि वहाँ पर ना तो नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलेगी, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, क्लाइमेट जलवायु का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर कोई भी आदमी भी नहीं जाना पसंद करेगा, तो मैन पावर की अवेलेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अगर यूपी की बात करा जाए तो वहाँ पर सस्ता लेबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, बिहार की बात करा जाए तो वहाँ पर सस्ता लेबर मिल जाएगा, बट अगर वहीं पर हम कभी फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर अगर हम प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहें तो हमको वहाँ पर महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है मैन पावर जो है उनकी जो भी एक्सपेक्टेशन है सैलरी की वो ज़्यादा है, ठीक है। तो लॉज एंड टैक्सेशन यानी कि गवर्नमेंट के जो भी लॉज होते हैं, उनके भी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, ये भी अफेक्ट करती है प्लांट की लोकेशन को, जैसे अगर यूपी में भी देखा जाए तो यूपी के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादा टैक्स पड़ता है, वहीं अगर हरियाणा की बात करी जाए तो उस जगह पर क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ तरीके की टैक्स में छूट देती है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं वहाँ पर हरियाणा में जाकर के ज़्यादातर प्लांट को इस्टेब्लिश करते हैं, हरियाणा हो गया या फिर गुजरात हो गया, देन वेस्ट
वेस्ट का आसानी से आप मैनेजमेंट कर सको, उस जगह पर अपने प्लांट को अपने उस जगह पर लोकेट करना चाहोगे जहाँ पर आप आसानी से वेस्ट का मैनेजमेंट कर सको। देखते होगे जैसे कि जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो किसी नदी के किनारे पर इस्टेब्लिश होती हैं, लाइक कि जहाँ पर से वो अपने जो भी गंदा पानी है तो उसको वो क्या कर सकते हैं आसानी से उस नदी में क्या कर दें उसको क्या कर दें उसको उधर साइड में उसको उसका डाइवर्ट कर दें, जिससे कि वो क्या होगा वो आसानी से वेस्ट मैनेजमेंट कर सकेंगे। हालांकि ये बात गलत होती कि अपने जो भी आप इंडस्ट्री है उसका गंदा पानी किसी नदी में डाल लो, ठीक है। तो इस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट में भी जहाँ पर से आप आसानी से वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हो उस जगह पर भी आपका प्लांट का लोकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ एक फैक्टर्स हैं जैसे कि जो कि आपके फैसिलिटीज़ या फिर प्लांट लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्लांट लेआउट के बारे में। तो लेआउट क्या होता है, लेआउट जो होता है दोस्तों बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित करके रखना। लाइक आपके घर का भी एक लेआउट होता होगा, है ना, कि आपकी किचन के पास में ही फ्रिज रखी होगी, किचन जहाँ पर से आपका किचन है, ठीक है, किचन से बहुत दूर फ्रिज नहीं रखी होगी, ठीक है, किचन के आसपास ही फ्रिज आपने रखी होगी। तो लेआउट से क्या मतलब होता है, जहाँ पर से आप आसानी से चीज़ों को ले जा सको, लाइक कि लेने के लिए जा सकते हो। यहाँ पर से दिखाता हूँ, जैसे मान लो कि अगर आपका ये सपोज दैट कि ये आपका घर है, ठीक है, इतनी बड़ी आपके घर की जगह है, तो आप अपने क्या करोगे सारी चीज़ों को इतनी जगह, अगर आपकी किचन की है तो इसी के अंदर आप फ्रिज को रखोगे, ठीक है, इसी के अंदर आप सारी चीज़ों को और भी अदर जो भी चीज़ें होती हैं लाइक कि जब कप हो गया, प्लेट्स हो गया, सभी चीज़ें किचन के अंदर ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर किचन के अंदर आपने गैस रखी है और पता चला सिलेंडर जो है सिलेंडर को आपने रखा हुआ है कहीं जा कर के दूसरे ड्राइंग रूम के, है ना, तो ऐसा तो आप करोगे नहीं, है ना। तो लेआउट क्या होता है, लेआउट भी एक तरीके का बहुत ही मैटर करता है। अगर आप किसी भी तरीके की इंडस्ट्री में हो तो लेआउट भी बहुत ही मैटर करता है। आपने जैसे सपोज़ कि अगर मान लो कि कंप्यूटर अपना इस कमरे पर रखा है, ठीक है, और जो भी उसका प्रिंटर है दूसरे कमरे पर रखा हुआ है, ठीक है, तो कभी आप इस तरीके के ऐसे कभी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा है, या फिर कभी आप इंटरनेट कैफ़े पे जाओ तो कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कंप्यूटर एक कमरे में रखा हुआ है, प्रिंटर दूसरे कमरे में रखा हुआ है, आपने यहाँ से प्रिंट मारा तो आपको चल करके दूसरी जगह पर जाना पड़ा उसका प्रिंट उठाने, ठीक है। तो उसका लेआउट सही करना, उसका लेआउट जो भी होता है एक उसको अच्छी तरीके से बनाना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने एक सही जगह तो चूज़ कर ली कि आपका जहाँ पर से आपने ऐसी आपने जगह तो चूज़ कर ली, लोकेशन तो चूज़ कर ली कि जहाँ पर से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिले, वाटर मिले, आप आसानी से उसका क्लाइमेट भी बढ़िया हो, मैन पावर की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, टैक्स भी कम पड़े, वेस्ट का भी आसानी से मैनेजमेंट हो जाए। बट अगर जब तक आप लेआउट को नहीं सही तरीके से बनाओगे तब तक बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है आपके काम का, ठीक है, करने में आपको। तो यहाँ पर क्या है, द लिटरी मीनिंग ऑफ लेआउट इज़ टू अरेंज वेरियस थिंग इन अ प्लांड मैनर, यानी कि आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को क्या करते हो प्लांड तरीके से सही करके रखते हो। जैसे आपके ड्राइंग रूम के अंदर केवल क्या होता है, थोड़ा एक सोफ़ा पड़ा होता है, कुछ एक जैसे आपने थोड़ा सजावट का सामान रख दिया, तो ये क्या है, एक तरीके का लेआउट है, ठीक है। बेडरूम के अंदर एक बेड पड़ा होता है, ठीक है, और थोड़ी टीवी वगैरह लगी होती है, ठीक है, तो इस तरीके का लेआउट सेट करना, ठीक है। किचन के अंदर किचन का सामान होगा, बाथरूम के अंदर बाथरूम का सामान होगा, तो इस तरीके से लेआउट सेट करना, ठीक है, तभी एक प्लांड मैनर में अगर आप व्यवस्थित करके रखोगे तभी वो सारी चीजें अरेंज लगेंगी, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी और वो सही तरीके से साउंड भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ रिलेटेड टू सेटअप ऑफ डिफरेंट मशीनरीज, इक्विपमेंट्स एंड अदर फैसिलिटीज़, यानी कि जो प्लांट लेआउट होता है ये क्या होता है कि अलग अलग अगर आपके पास में मशीन्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, तो आप किस तरीके से कहाँ पर उनको इस्टेब्लिश करते हो अपने अपने जो भी प्लांट के अंदर, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से हैंडलिंग कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन की जो भी आपकी कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि आपने जैसे एक कंप्यूटर एक कमरे पे रखा, उसका प्रिंटर दूसरी जगह पे रखा है, तो उसको लेने के लिए जा रहे हैं, दो मिनट लेने जाने में, लेने आने में लग रहे हैं 4 मिनट 5 मिनट, है ना, तो इस तरीके से आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अपने आप अपने फ्लोर के स्पेस को भी आप बचा करके रख सकते हो। आप अगर मान लो आपका कमरा छोटा है तो आप अपने थोड़ी सी जगह आने जाने निकलने के लिए भी तो रखते होगे ना, कि इतना मेरे कमरे पर सामान आ सकता है, कि इतनी जगह पर बेड पड़ेगा, इतनी जगह थोड़ा सा स्पेस रहेगा, थोड़ा सा फ्री स्पेस रहेगा कि लोग आसानी से आ जा सकें, थोड़ा चल फिर सकें, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि टू गेट मोर रिजल्ट्स इन अ वेरी लेस टाइम, और आसानी से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे हमने बताया कि कंप्यूटर एक कमरे में, दूसरे कमरे में प्रिंटर, तो उसमें क्या है ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है, बट एक जगह पर है तो आपने आसानी से बगल से उसको उठाया, इधर प्रिंट मारा, उधर साइड आपने प्रिंट उठाया, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेज ऑफ 5S, 5S से रिलेटेड क्या मतलब होता है, 5S से रिलेटेड मतलब कि आप सभी जगह
जॉब स्टैंडर्डाइजेशन, अलग अलग 5S अभी बात का टॉपिक, इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। बट 5S क्या होता है दोस्तों एक्चुअल में, कि आपकी सभी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए, ठीक है। तो 5S को मेंटेन करने में भी प्लांट लेआउट का एक बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट कि प्लांट लेआउट क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ, किससे आप मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन हो सकता है, प्रोसेस फ्लो, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग, मोशन इसको कम कर सकते हो, ठीक है, अपने मोशन को कंट्रोल कर सकते हो, डिसकम्फर्ट को कम कर सकते हो, डिस्टेंस को कम कर सकते हो। तो ये सब इसके कुछ एक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना होता है। अब टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट की बात करें तो यहां पर देखो इसके कुछ एक चार टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट और लाइन लेआउट, जैसे कि तो अभी यहाँ पर हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, एक एक फंक्शन, एक एक लेआउट को देखते हैं। सबसे पहले देखो प्रोडक्ट और लाइन लेआउट की बात करें तो यहाँ पर जो लाइन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लाइन जो है, यानी कि एक लाइन आपकी फिक्स कर दी जाती है। जब भी आप कभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाते हो तो एक लाइन फिक्स कर दी जाती है कि एक एक वर्क स्टेशन में एक काम हो रहा है, दूसरे वर्क स्टेशन में दूसरा काम हो रहा है, ठीक है। मान लो कि एक कोई कोल्ड ड्रिंक बन रही, कोल्ड ड्रिंक का मैन्युफैक्चरिंग हो रही, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, एक बॉटल जो भी यहाँ पर फर्स्ट वर्क स्टेशन उसमें क्या किया गया, एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली गई, ठीक है। दूसरे वर्क स्टेशन में क्या किया गया कि उसमें कोल्ड ड्रिंक भरी गई, ठीक है, और वो भी उसमें जो भी एक स्टैंडर्ड जो भी उसकी एक तरीके से बना दिया जाता है कि इतनी कोल्ड ड्रिंक इतने ml भरी जाएगी, ठीक है, तो उतनी भरी गई, ठीक है। तीसरे वर्क स्टेशन में क्या होता है कि उसकी उसको उसमें एक ढक्कन लगाया जाता है। देन फोर्थ वर्क स्टेशन में क्या होता है, उसकी जो ढक्कन है उसकी सील को सही तरीके से बंद किया जाता है, ठीक है। फिर फिफ्थ वर्क स्टेशन में क्या होता है, उसको एक तरीके से एक अच्छे तरीके से उसको पेटी के अंदर लाइक कि एक तरीके से उसको बिन वगैरह में पैक करके रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग तरीके के टास्क होते हैं, लाइक एक तरीके की लाइन बना दी गई, एक 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 के बाद एक के बाद एक प्रोसेस क्या होता है आसानी से होता चला जाता है, और एक एक आदमी को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया, ठीक है। मान लो एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ, वो क्या कर रहा है, बॉटल को उठा रहा है, बॉटल को भर रहा है, दूसरा आदमी बॉटल को भर रहा है, तीसरा आदमी क्या कर रहा है, बॉटल के ढक्कन को लगा रहा है, चौथा आदमी क्या कर रहा है कि बॉटल के ढक्कन को सील को टाइट कर रहा है, देन फिफ्थ नंबर पे आदमी क्या कर रहा है, जो लगा हुआ है मैन पावर आपकी जो भी इंप्लॉय लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, उसको एक बिन में पैक कर रहा है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये सभी क्या है कि ये सभी क्या है, एक तरीके की लाइन्स रिलेटेड लेआउट होता है। मान लो कि अगर आपकी ढक्कन उठाए, बॉटल को उठाया, बॉटल के बाद में डायरेक्ट क्या कर दिया, बिन में पैक करने वाला स्टेशन बगल में लगा दिया, ठीक है, तो वो तो सही नहीं होता है ना, कि पहले आपका प्रोडक्ट उधर ज़्यादा देन उधर आ रहा है, तो इस तरीके से आपका सही से काम नहीं चलता। देन अभी देखो आगे क्या है कि नंबर सेकंड पे है आपका प्रोसेस या फिर फंक्शनल लेआउट। ये नॉर्मली आपका जैसे सर्विसेज जहाँ पर होती है, लाइक कि आपका जैसे कि बैंक की बात करें या फिर आपके स्कूल कॉलेजेस की बात करें, ठीक है, तो एक क्लासरूम है, ठीक है, एक सेशन ए सेशन बी, इस तरीके से आप देखते होगे ना कि बगल बगल में क्लासेस हैं, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं कि मान लो कि कोई आपकी क्लास इधर लग रही है, फिर किसी टीचर को अगर उधर जाना है तो वो चार फ्लोर ऊपर चढ़ करके ज़्यादा है, तो इस तरीके से आपकी क्लासेस जो भी होती हैं ऐसे अरेंज करी जाती हैं जो कि एक जगह पर हो, ठीक है। उसका एक तरीके का अलग से रिसेप्शन अलग होता है कि रिसेप्शन में जाए कोई, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस भी उसका एक अलग से होता है। तो ये क्या होता है, यानी कि एक तरीके का पूरे बैंक में भी जहाँ पर से अगर मान लो आपको क्रेडिट कोई भी चीज़ करनी, अपने पैसों को क्या करना है, पैसों को बैंक के अंदर डालना है, तो उससे रिलेटेड फॉर्म भरना है, तो आपने उसको उस उधर से लिया, ठीक है, देन आपने पास में ही क्या कर दिया, उसको डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो ये भी बैंक के भी अलग अलग लेआउट होते हैं, हॉस्पिटल्स का अलग लेआउट होता है कि किसी भी कोई भी पेशेंट आया तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उसको इंक्वायरी फॉर्म सबसे पहले भरेगा, फिर वो आगे जाएगा डॉक्टर से पास में बैठेगा उधर लाइन लगाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करी जाती हैं तो उसके लिए अलग अलग से लेआउट बनाया जाता है। इवन जब भी आप कभी हम बाल कटाने के लिए भी जाते हैं, हेयर कट के लिए भी जाते हैं, तो अगर थोड़ी सी लंबी लाइन होती है तो उसके लिए भी बैठने की व्यवस्था करी जाती है, ठीक है, कि अगर जितने भी लोग वेटिंग पे हों वो क्या करें, एक बेंच पे चेयर पे बैठे रहें और न्यूज़पेपर वगैरह भी पास में रखा रहता है कि वो आसानी से थोड़ी देर अपना न्यूज़पेपर वगैरह को पढ़ सकते हैं, तो इससे उनका जो भी टाइम होता है वो इजिली कट जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शनल लेआउट, यानी कि फंक्शन के हिसाब से उसका जो भी लेआउट सेट किया जाता है, तो इससे फंक्शन रिलेटेड लेआउट हो गया। देन फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि फिक्स्ड पोजीशन, यानी कि जो आपकी बड़ी मशीन होगी वो एक जगह पर एस्टैब्लिश होगी, उसकी पास में छोटी छोटी जो भी टूल्स होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे या फिर जो भी मैन पावर होगी उसकी बड़ी मशीन के पास में जाएगी। जैसे सपोज कि अगर आपके पास में एक लैपटॉप है, ठीक है, तो आप अगर आप अपने लैपटॉप को लेट करके चलाना चाह रहे हो, थोड़ा सा आप रेस्ट पोजीशन में अगर चलाना चाह रहे हो, मूवी वगैरह देखना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे कि लैपटॉप को उठा करके ले जाओगे अपने बेडरूम में और उसको आराम से लेट करके देख लोगे अपनी जो भी
भी मूवी होगी। ऐसा तो है नहीं कि लैपटॉप आपने यहाँ पर रखा हुआ है हॉल में रखा हुआ है और बेड उठा करके बेड खींच करके ले करके आ रहे हैं हॉल में, ठीक है, ताकि वहाँ पर, तो ऐसा नहीं, लैपटॉप को उठा करके ले जाना वहाँ पर बेडरूम में ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो ये क्या है, फिक्स पोजिशन, यानी कि जो बड़ी मशीन होगी वो एक जगह अपनी जगह फिक्स रहेगी, बट उसकी जगह पर छोटी छोटी जो भी टूल्स और इक्विपमेंट्स होंगे वो उसके पास जाएंगे, ठीक है। देन कॉम्बिनेशन लेआउट के अंदर क्या होता है दोस्तों, कॉम्बिनेशन लेआउट के अंदर अलग जो भी कॉम्बिनेशन होता है, लाइक कि जो भी आपका कॉम्बिनेशन, जितने भी यहाँ पर आपने टाइप्स पढ़े प्रोडक्ट और लाइन लेआउट, ठीक है, इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है इन अ वेरी फ्लेक्सिबल मैनर, कि अगर कोई भी चेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़े तो आसानी से उसको कॉम्बिनेशन लेआउट के अंदर आप आसानी से उसको चेंज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए इस तरीके के लेआउट बन चुका तो अब बन चुका, ठीक है। मान लो कि आपने कोई रूम बनाया तो अगर आपको वहाँ पर आपने कोई भी बेड को अगर फिक्स कर दिया, ठीक है, ऐसा कई जगहों पर देखा गया है कि जहाँ पर से, जैसे मान लो अगर ये आपका रूम है तो आपने इस जगह पर बेड को फिक्स करवा दिया, यानी कि बेड जो भी होते हैं फिक्स हो जाते हैं, है ना, जो आपका लेटने वाला बेड होता है नॉर्मली उसको फिक्स करवा देते हैं लोग, तो इससे क्या होता है आगे उनको दिक्कत हो जाती है अगर उनको मूव करना हो या फिर उस जगह को खाली करना हो, हटाना हो, ठीक है, तो फिर वो चीज़ नहीं कर पाते। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी चीज़ में चेंजमेंट करना हो तो उसको आप आसानी से चेंज कर सको। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कि प्लांट लेआउट के कितने टाइप होते हैं और प्लांट लेआउट होता क्या। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऑटोमेशन और मशीनाइजेशन यहाँ पर लिखा है क्या है एक्चुअल में, ये मशीनाइजेशन है, ठीक है। सो अभी हम लोग इसको देखेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, ऑटोमेशन और जो ये मशीनाइजेशन है इसको अभी प्रोनंसिएट नहीं हो, इसको सही से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझा प्लांट लेआउट और प्लांट लोकेशन और प्लांट लेआउट के बारे में, ठीक है। प्लांट लोकेशन क्या होती है, प्लांट लेआउट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप पीपीटी या फिर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सअप पे आप मांग सकते हो, ठीक है। तो अभी वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लोगों के साथ में अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन।